दोस्तों, हरियाणा में हांसी से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसा है गांव रोहना। वर्ष 1857 में जब उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का बिगुल बजा तो रोहनाथ गांव पीछे नहीं रहा। इस गांव के बहादुर लोग गंडा से, फर से, बल्लम, कुल्हाड़े आदि लेकर हांसी की ओर चल पड़े। रोहनाथ के साथ ही मंगाली, जमालपुर, पूठी मंगल खां, हाजमपुर आदि गांव के नौजवान भी उस युद्ध में पीछे नहीं रहे थे। यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है और सिर्फ जवार बाजरा ही पैदा नहीं होता, बल्कि देश के लिए मर मिटने वाले बहादुर नौजवान भी यहां खूब पैदा हुए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम की रोहनाथ गांव के लोगों ने भारी कीमत चुकाई थी। पूठी मंगल खां गांव में अंग्रेजों ने तोपें सेट कर दी और निशाना था गांव रोहनाथ। और फिर देखते ही देखते घरों आंगनों में तोपों के गोले बरसने लगे। गांव के बहादुर लोग गंडा से, फर से, बल्लम, कुल्हाड़े, लाठी से अंग्रेजों की तोपों और राइफलों का मुकाबला कर रहे थे। रोहनाथ में एक कुआं है जिसमें गांव की महिलाएं अपने बच्चों को लेके कूद गई थी, इस उम्मीद में कि शायद ऐसे जान बच जाए, इज्जत बच जाए। वहां बरगद का एक पुराना पेड़ है जिस पर लटका कर अंग्रेजों ने गांव के लोगों को फांसी दी थी। इतना ही नहीं, गांव की सारी 20,656 बीघा जमीन अंग्रेजों ने नीलाम कर दी थी, जिसे पास के गांव के 61 लोगों ने सिर्फ 8,100 रुपए में खरीद लिया था और रोहनाथ गांव के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था। हम पहुंच गए हैं गांव रोहनाथ में। यहां शायद हर गांव में गौरव पट लगे हैं। इधर रोहनाथ गांव में भी देखिएगा, स्कूल के पास जो गवर्नमेंट स्कूल है यहां पे, उसके पास में गौरव पट है। यहाँ इस पत्थर पर देखिए गांव के बड़े लोगों के नाम, बलिदानियों के नाम लिखे हैं। वर्ष 1857 की क्रांति के 3 शहीदों के नाम यहाँ लिखे हैं, स्वामी बीरड़दास वैरागी, रूपा खाती, नौंदा जाट। इसके अलावा आजाद हिंद फौज के भी 3 सेनानियों का जिक्र है, प्रहलाद गिल, धर्मचंद, नानूराम। वर्ष 1965 युद्ध के नायक सूबेदार लजेराम बूरा और कुछ खिलाड़ियों के नाम भी इस पर लिखे हैं। और इधर इस पत्थर पर गांव की कहानी कही गई है। यहाँ कुआं और बरगद का पेड़ आज भी साक्षी है उस घटना का। और ये कुआं, जिस कुएं में कूदकर उस समय महिलाओं ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं में जान कहाँ बचती, बहुत सी महिलाएं मारी गई ऐसा हमें बताया गया। वो बच्चों को लेके साथ कूद गई थी तो बच्चे भी मारे गए। इधर एक नाव भी रखी है। तालाब बड़ा है और गहरा भी है। ये कुआं भी अपने आप में जिसमें बनाया गया होगा तो वास्तुकला का अच्छा नमूना है। छोटी ईंटों से बना कुआं, इसमें 4 ओर से पानी भरने की सुविधा है। ये देखेंगे, आज तो पानी साफ नहीं है, इसके ऊपर काई लगी है और वाटर टेबल यहाँ बहुत ऊपर है। तालाब का पानी जिस लेवल पे है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर कुएं में भी पानी है। अब इस पानी को शायद कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, जैसी काई इस पे जमी है उसको देख के लगता है आज ये पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। चारों ओर पानी निकालने की व्यवस्था है। इस कुएं से जब पानी निकलता, अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट हाउ द वाटर वाज टेकन आउट ऑफ दिस वेल। ये देखेंगे, ये कुआं, इस कुएं से पानी यहाँ से खींचा जाता और वो यहाँ इस चैनल में पानी कुएं से निकाल के, ये कुआं कुएं से पानी निकलता और इस चैनल पे यहाँ डाल दिया जाता और इस चैनल से यहाँ इसमें फिर एक नाली नीचे की ओर है, इस झाड़ियों में दिख रही है, इससे फिर ये पानी होता उस नाली के ज़रिए आगे, ये स्मॉल एक पिट दिख रहा है, इसमें जाता, इसमें से फिर एक नाली है
इस झाड़ी में वो अभी दिख नहीं रही साफ से, है नीचे, और वो फिर उस नाली से आगे की इस इसमें पहुंच जाता है ये बड़ा टैंक। और इस बड़े टैंक में भी आप देख पा रहे हैं एक नीचे की ओर वहाँ भी एक ओपनिंग है और फिर ऊपर चल के एक ओपनिंग है, और इसके बाहर की ओर एक चैनल हुआ करता था। What the people have told us, there used to be a channel along this outer wall, and that channel was meant to supply water for the cattle. So this was the water supply system. This well served drinking water requirements for the people as well as for the cattle of the village. और ये सामने बरगद का वह पेड़ आप देखें, पेड़ बहुत पुराना है पर ऊपर की सारी टहनियां सूख रही हैं। ये पेड़ उसी इतिहास का मूक गवाह है, ऊपर से सूख गया है लेकिन नीचे फिर से पत्ते निकल रहे हैं। चलिए पूछते हैं गांव के लोगों से क्या हुआ था यहाँ वर्ष 1857 में। दोस्तों हम बैठे हैं रोहनाथ गांव में, राजेंद्र सिंह जी मेरे दाएं ओर बैठे हैं, गांव के कुछ और लोग भी बैठे हैं। राजेंद्र सिंह जानते हैं उस कहानी के बारे में, तो इनसे हम पूछेंगे। राजेंद्र जी आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपके ही गांव में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए जरा क्या हुआ था 1857 में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ रही थी, हमारे गांव ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 11 अंग्रेज आसिम हमारे जी रोनाथ वालों ने और 10 हमारे हिसार के अंदर, तो साहब में खजाना लिटा सरकारी, जो लोग रोनाथ के पकड़े गए थे जेल के अंदर फ्लोर छोड़ दिए थे वो रिहा के हुआ हिसार से, और पुट्ठे मंगल खां यहाँ से 3-4 किलोमीटर प्रति वहाँ तोप लगाई, पूरे गांव को तोपों से उड़ा दिया गया। हमारे 3 क्रांतिकारी योद्धा थे, रूपा खाती, नंदा जाट और बीरड़दास स्वामी को तोप के आगे लगा के उड़ाया गया, जिसके चिथड़े यहाँ गांव में आके पड़े थे, और रूपा खाती को, नंदा जाट को यहाँ बरगद के पेड़ों पर फांसी लटकाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बोल दिया गया कोई इनको उतारेगा उनका भी ऐसा ही हाल होगा। तो गांव में तहस नहस मच गई जी, बुरा हाल होया, बहुत लोग मारे गए, कम से कम 250-300 की आबादी में लोग मारे गए, लुगाई महिलाएं औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में अपने बच्चों के साथ कूद गई, आपकी इज्जत जान बचाने के लिए, तो जी बहुत हानि हुई। इसके अवैध में अंग्रेजों ने हमारे गाँव की जमीन 20,656 बीघे नीलाम कर दी। वो इतनी जमीन रही होगी सारी, इतनी होगी? हाँ जी, इसी इतनी थी उस टाइम पे, मात्र 8100 रुपए में। 61 लोगों ने बोली लगाई, ये हमारे साथ में है जी, सात पास है, उमरा, सुल्तानपुर, रमैन, डडेरी। एक एक करके बताएं कौन कौन से गांव के लोग थे जिन्होंने खरीदी? सुल्तानपुर, उमरा, रमैन, हाँ जी, डडेरी और यो मुजादपुर। हाँ जी, इन गांव के लोगों ने, पांच गांव हुए। हाँ जी, पांच गांव के लोगों ने आपकी वो 20,656 सुल्तानपुर बता दिया। हाँ, तो 20,656 बीघा जमीन, 20,656 बीघे जमीन थी उन्होंने 8100 रुपए में, मात्र 8100 रुपए में सारी जमीन खरीद ली। अच्छा, पूरा गांव तहस नहस कर दिया। तो इसमें गांव की एक तो खेत की जमीन रही, एक बाकी जो बस्ती की गांव की थी वो जमीन भी खरीद ली। वो भी खरीद ली थी, मात्र 13 कनाल जमीन बची है जी यहाँ, पूरे गांव की सिर्फ 13 कनाल, बाकी सारी जमीन 13 कनाल में जोड़ है, तालाब है, ये कुआ है। उस टाइम का कुछ मालूम है आबादी कितनी हुआ करती थी? आबादी तो ये 250-300 हुआ करती उस जमाने में, तो बहुत सारे लोग तो मारे गए ज्यादा था। हाँ जी, जो बचे, हाँ जी, वो फिर कहाँ रहे? वो बाहर अपने रिश्तेदारियों में चले गए। अच्छा, और फिर थोड़े शांत हुए। हाँ, फिर आके बस गए और रिश्तेदारों को भी ले आए, रिश्तेदार भी यहाँ आके बसाए, और फिर एक एक दो दो किला करके खरीदी। जो लोग बचे आप जैसे बता रहे हैं, हाँ, अब ये घर जहाँ हम बैठे हैं, ये सामने एक जो पट्टी लगी है, हाँ, गिल भवन, हाँ जी, तो ये भी शायद इस गांव के नहीं थे? नहीं जी, ये तो बाद में, आके बसे, है ना? हाँ जी, ये सिसाई से आके, तो ये सिसाई से आए। देखो जी, हमारे गाँव में सिसाई से, हाँ, पुट्ठी से, सीमेंट पुट्ठी, हाँ, बामड़ा से, हाँ, और चलकोई से, हाँ, और मुंडाल से, हाँ, मतलब कई गांव से अपने अपने रिश्तेदारों को लाके यहाँ बसाया। रिश्तेदारों को? हाँ जी। अच्छा अच्छा,
तो अब आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी के हिसाब से रिश्तेदारों ने जिसका ब्योत था जितनी जमीन, 1 किला 2 किला 4 किले जमीन खरीदी, उसी पर गुजारा कर रहे हैं। तो अब कितनी जमीन, जैसे उस बात करें हम 20,656, हाँ जी हाँ, उसमें से कितनी जमीन होगी जो वापस खरीद पाए और कितनी होगी जो अभी भी उन लोगों के पास है जिन्होंने खरीदी थी? हाँ जी हाँ, तो उसमें तो थोड़ी सी खरीदी है, बाकी तो उनके पास है। अच्छा, हाँ जी, ज्यादा जमीन अभी उन्हीं के पास है। तो परिवार अब गांव में रोजगार मुख्य तौर पे क्या है? जमीन तो आप बता रहे हो कि ज्यादा अभी भी उन्हीं के पास है। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी, खेती थोड़ी बहुत है, जमीन तो थोड़ी बहुत है, जमीन तो कम की। हाँ, और एजुकेशन का क्या है, शिक्षा का क्या है गाँव में? शिक्षा तो है नहीं जी, शिक्षा क्या है जी हमारे गाँव में, अब मैट्रिक का स्कूल बना है। मैट्रिक का स्कूल अब बना है जी, 12वीं तक तो अभी नहीं है। हाँ जी, प्लस टू तो अब भी नहीं है। और आज आबादी कितनी है? आबादी है जी 55-56 सौ, 55-56 सौ की आबादी है। और 10वीं का स्कूल अब बना है? हाँ जी, 3000 वोट है जी, 55-56 सौ आबादी है, 55-56 सौ अब बना है मैट्रिक का स्कूल, प्लस टू तो अब भी नहीं है। तो गांव के लोगों ने उस जमीन को लेके, कि वो जमीन वापस मिले, उसको लेके क्या क्या प्रयास किए इतने सालों में? आजाद भारत हुआ तो उसके बाद क्या कोशिश? बहुत प्रयास किए जी, सभी सीएम आए, सभी सीएमों का अपनी मांगे रखी, किसी सीएम ने हमारी सुध नहीं ली। उस टाइम पे प्रताप सिंह कैरो हुआ करते जी, हाँ, और ये हरियाणा और पंजाब एक था। राजेंद्र जी जो बात बता रहे हैं, प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर हुआ करते, वो जमाना था 1 नवंबर 1966 से पहले का, हरियाणा अलग नहीं बना था, पंजाब का एक हिस्सा हुआ। हाँ जी, हाँ जी जी भाई साहब बताएं। तो पंजाब सिंह कैरो साहब ने गांव को 57 प्लाट अलाट करवाए थे, 57 प्लाट हिसार बीड में तुम्हारे को दिए जाएंगे इसके अवेज में। अच्छा अच्छा, ये जमीन वापस हम नहीं दे पा रहे, ये नहीं दे सकेंगे आपको, हिसार में 57 प्लाट बीड के अंदर तुम्हारे 57 प्लाट तुमको मिल जाएंगे। वो कितने बड़े थे प्लाट? वो था जी 12.5 किलो का, 12 एकड़ का, 12.5 एकड़ का एक प्लॉट, 12.5 एकड़ का एक प्लॉट। हाँ जी, तो फिर मिले क्या वो प्लॉट? आज तक नहीं मिले हैं जी, अलॉट हुए पर मिले वो भी नहीं। हाँ जी, वो ऐसा हुआ जी, वो मतलब घोषणा तो कर गए, लेकिन उनके बाद उसकी जल्दी ही डेथ होगी। अच्छा, इस कारण फिर और किसी सीएम ने कोई सूझे नहीं दी। ओके, हरियाणा बना तो हरियाणा में भी किसी सरकार ने इस बारे में कोई? हाँ जी, तो यहाँ अभी बलचौरी बंसीलाल ने 1.25 लाख रुपया मतलब दिया था, वो भी भाई कुछ तुम्हारी मदद के लिए। उससे कितने दिन और किसका गुजारा होगा? 1.25 लाख रुपये क्या होता है, क्या होगा? हाँ जी, तो जो लोग शहीद हुए, हाँ जी, 3 लोगों के नाम तो सामने आते हैं। हाँ जी हाँ जी, बीरड़दास बैरागी आपने कहा, बीरड़दास स्वामी, और दूसरे रूपा खाती, रूपराम खाती भी लिखते हैं, और नौंदाचार, ये हमारे मतलब अगुवाई कर रहे थे, ये अगुवाई कर रहे थे, और भी बहुत सारे, इनके अगुवाई में सारा काम चल रहा था। और जो मरे उनका तो पता ही नहीं किसी को, नानू का तो पता ही नहीं, नाम 3 का पता है। 5वीं पीढ़ी आएगी सर, 5वीं पीढ़ी हमारे को कहाँ याद आएगी, 5वीं 6वीं पीढ़ी चल रही है हमारा। 1 साल से धरना चल रहा है जी। अच्छा, 1 साल और 3-4 दिन हो गए धरना चल रहा है। हाँ जी, वो कहाँ पे? वो भिवानी डीसी ऑफिस के सामने, भिवानी डीसी, क्योंकि अब ये गांव भिवानी जिले में वहाँ मिल जाएगा सारे जत्थे, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। तो वहाँ पे मांग क्या है आप लोगों की? मांग तो ये है जी, हमारे गांव को 257 प्लाट अलाट करे थे, वो प्लाट दिए जाए, और हमारे गाँव को मतलब शहीदी का दर्जा दिया जाए। ठीक बात है, बस ये 2 मांगे। तो वो जब लड़ाई हुई, आस पास के और गाँव भी लड़े होंगे? हाँ जी, और कौन कौन से गांव हैं ऐसे? जैसे जमालपुर है, बलियाली है, आजमपुर है, और इधर मंगाली है, इन गांव में। मंगाली किधर पड़ता है? मंगाली इधर पड़ता है जी, वो भी पास में। हाँ जी, इसार के साथ में। तो वहाँ भी अब लाल सड़क जो है हांसी में, हाँ लाल सड़क हांसी में जो है ना जी, वो रुनाथ के लोगों को यहाँ से पकड़ पकड़ के ले जाया गया, और रोड रोलर के नीचे पीस दिए गए, तो सड़क बिल्कुल खून में लाल हो गई थी, इसीलिए वो लाल सड़क आज बादरी है, आज लाल सड़क कहते हैं। इसी नाम से बादरी लाल सड़क उसको पुकारा जाता है। लोगों को रोड रोलर के नीचे पीसा गया, और खून बहना, खून से लाल होगी सड़क, लाल हो गई। हाँ, एक बार हमारे मतलब 2018 में
चीफ मिनिस्टर आए, हाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, ख्याल 23 मार्च 2019 में आए थे। तो जी उसने झंडा फहरा था, लेकिन हमने कहा थे सीएम साहब आए जरूर लेकिन झंडा भी फहरा, लेकिन वो जमीन आज भी हमारे नहीं है, आज भी रिकॉर्ड के अंदर सुल्तान प्रॉपर्टी के नाम से बोल, जहाँ पे झंडा फहराया, हाँ जी जहाँ सीएम साहब आए जहाँ झंडा फहराया ये हमारे साथ में है, वो जमीन आज भी सुल्तान प्रॉपर्टी के नाम से बोल रही है, जिस जगह पे तिरंगा फहराया। पत्र आप के पत्रकार भाई बंधु आए, हमने कहा ठीक है सीएम साहब आए थे लेकिन झंडा फहराया था, लेकिन वो जमीन रुणाथ की नहीं थी, आज भी नहीं है, रुणाथ पट्टी के अंदर सीएम साहब आए, रुणाथ सुल्तान पट्टी के अंदर झंडा फहराया, सुल्तानपुर पट्टी में सुल्तानपुर पट्टी, हाँ जी फर्दों में सुल्तानपुर पट्टी के नाम से आज भी बोलती है वो जमीन। आज भी अगर सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन के बारे में मालूमात करते हैं तो सुल्तानपुर पट्टी गांव की जमीन वो दिखाई देती है, और रोहनाथ गांव में झंडा फहराया गया था उस जगह पे 23 मार्च 2019 को। वैसे आप लोगों की जो पीड़ा है दर्द है ये तो जायज है, पर क्या तिरंगा हमको फहराने नहीं चाहिए? तिरंगा तो फहराएं, हम नहीं फहराते, हम वो तो वो झंडा का सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे गांव में हम तिरंगा नहीं फहराते, हम आज भी हमने आपको गुलाम समझते हैं इसलिए हम नहीं फहराते। तिरंगा तो हम सबका है, वो तो फहराना ही चाहिए, अपनी मांग अपनी जगह रहें, लड़े सरकारों से जो भी आए अपनी मांग के लिए लड़े, हम तिरंगा फहरा देंगे, फहराओ हमारी जमीन पर फहराओ या वो पाके फहराओ, लेकिन पहले हमारी मांग पूरी करो फिर झंडा फहरा लो, तिरंगे पे आपका अधिकार तो हमसे भी पहले, तो तिरंगा तो अपनी शान के लिए फहराए, सरकारों से लड़ते रहे, सरकारों का तिरंगा नहीं है वो राष्ट्र का तिरंगा, वो आपका तिरंगा है, तिरंगा तो हमारा नहीं, हम तिरंगा सम्मान करते हैं, मानते हैं, रुणाथ की जमीन तो नहीं सर हुए, नहीं नहीं हमारा सुकूल है वो डढेरी पट्टी के नाम से बोलता है जो हमारी मांग, तो हमारा सुकूल है वो भी तिरंगा फहरा दिया जाए रुणाथ के नाम तो नहीं, नहीं 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 मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, आपके घर पे हमारे घर पे तिरंगा हो, दिल में तो अभी भी फहरा रहा है आपके में। दोस्तों हमारे साथ हैं राम प्रसाद जी, इनका कहना है कि ये बलिदानी शहीद रूपराम खाती के वंशज हैं पांचवी पीढ़ी में, तो इनसे जानेंगे पांचवी पीढ़ी में राम प्रसाद का क्या रिश्ता है रूपराम के साथ, शहीद रूपराम के साथ। जी बताएं, आपकी पांचवी पीढ़ी में जो दादा थे रूपराम खाती या रूपा खाती जो भी है, जैसे भी आप उनको याद करते हैं, वो शहीद हुए 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, तो उनके दो पुत्र एक आपने बताए श्यामा जी, एक किशन लाल ठीक है, उसके बाद श्यामा के जयराम हुआ जी, श्यामा के हुए जयराम ठीक है, जयराम के मांगे राम प्रसाद। आप ये देखिए पांचों पीढ़ियों में आप राम प्रसाद राम यहाँ हैं, और आपके पिताजी का नाम मांगे राम वहाँ हैं, और मांगे राम के पिताजी जयराम राम वहाँ भी हैं, और जयराम के पिताजी श्यामा वो राम नहीं तो श्याम है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही विष्णु के अवतार हुए, और उनके फिर पिता थे रूपराम जो शहीद हुए 1857 में। तो ये पांचवी पीढ़ी का रिश्ता, आज रूपराम के वंशज हमारे साथ बैठे हैं। तो आपको ये बताएं, जैसे आज हमने आपसे बात की, बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे, बातें तो पहले भी बहुत होती होंगी, है ना, कैसा फील होता है जब कोई बताता है कि पूछता आपसे जानना चाहता है, तो कैसा आपको कुछ एक अलग सी फील आती है कि हमारे मेरे तो किसी बुजुर्ग ने देश के लिए शहादत दी नहीं? ना जी बहुत खुशी होगा जी, देश के काम आए हमारे दादाजी, बहुत खुशी होगा जी। तो दोस्तों ये थी यात्रा गांव रोहनाथ की, अगले भाग में आपको लेकर चलेंगे हांसी की लाल सड़क पर, जहां वर्ष 1857 में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सड़क पर लिटाकर रोड रोलर से कुचलकर मारा था। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।